जो टीम एशिया कप का खेला जाएगा उनके बारे में, आईसीसी एशिया कप जो मैच होगा उनके बारे में। ये खेला जाएगा इंडिया ए और बंगला ए का बीच। जब दोनों टीम आपस में भिड़ेगा, कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा, दोनों टीम आपस में कुल कितने मुकाबले खेले हैं और कौन सा टीम कितने जीते हैं कितने हारे हैं, और रिसेंट के फॉर्म कैसा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, स्टेट रिकॉर्ड कैसा है, ग्राउंड पर कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, सारा बात इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बी डॉट बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले मैं बता देता हूँ पिच रिपोर्ट। यहाँ पर बैलेंस पिच है, गुड फॉर स्पिनर, यानी ज़्यादा फास्टर से अपेक्षा ज़्यादा का स्पिनर का सपोर्ट मिलता है। एवरेज 189 से 200 के बीच बन सकता है, 250 के बीच बन सकता है। ये खेला जाएगा वेन्यू रिवेंडस स्टेडियम कोलंबो में, जो कि कोलंबो में जो खेला जाएगा मैच। कोलंबो का पिच रिपोर्ट कैसा है? मेरे हिसाब से माने तो कोलंबो का पिच रिपोर्ट बैलेंस पिच है। कभी भी अच्छे स्कोर बैट्समैन कर देते हैं, कभी लो स्कोर पर आउट हो जाता है। जब से मैंने कोलंबो को मैच देखा मेरे हिसाब से, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से बैलेंस पिच है, तो बैलेंस टीम आपको बनाना होगा। बैलेंस टीम बनाना होगा तो इसलिए बैलेंस पिच पर कौन सा प्लेयर है जो जिनका रिसेंट के फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है और जो अच्छा प्रदर्शन करता है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे क्या डर्म प्लेयर है जो टॉस होने के बाद दो चार प्लेयर चेंज हो जाता है। मैं एक्स्ट्रा प्लेयर को भी पिक कर दूंगा और बता दूंगा, ताकि टॉस होने में आप अपने टीम क्रिएट करने में अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आ जाता है विकेट कीपर सेक्शन से। विकेट कीपर सेक्शन से दो विकेट कीपर है जो कि शानदार पारी खेलता है और रिसेंट के फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है। दोनों को सिलेक्शन परसेंट हाई है, दोनों का रिकॉर्ड अच्छे खासा है। आप जाए तो एन जेसन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर देखिए एक मैच खेले हैं, अच्छा परफॉर्म किए हैं, दो मैच में अच्छे खासे पॉइंट दिए हैं ये रिसेंट के फॉर्म। अजेडन ये दो विकेट कीपर है जो आपके लिए सेफ विकेट कीपर रहने वाले हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इंडिया ए काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज और स्ट्रॉन्ग बॉलर इंडिया ए के में शामिल है, बंगला ए में भी शामिल है, लेकिन उसमें गिने चुने बॉलर और सिर्फ ऑलराउंडर हैं। बैट्समैन की दृष्टि से बंगला काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए बैलेंस पिच है तो बॉलर को सपोर्ट मिलेगा तो बंगला भी अपने प्रदर्शन इस ग्राउंड पर दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा बैट्समैन सेक्शन में, बाकी बात ये विकेट कीपर से खेलेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में। भाई बैट्समैन में देखा जाए एम जे रॉय, इनका एक मैच में अच्छे खासा प्रदर्शन किया है, जिनका सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई हो गया। इसे चाहे तो अपने टीम में रख सकते हैं, अन्यथा आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसे अभी ड्रॉप करके जा रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन परसेंट हाई हो गया है। ऐसमान इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, फिर भी कुछ बैट्समैन ऐसा है जो कंसिस्टेंट रूप से परफॉर्म करता है। ये ऐसमान का अनुभव प्लेयर है, ये आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया है, हर मैच में टी20 में भी अच्छा प्रदर्शन करता है, हालांकि ग्राउंड पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेता है। मैंने इसे रखा हूं। अब एम जेसन को एक मैच में शतक लगाए हैं, इसलिए मैं अपने टीम में पिक कर रहा हूं। अब तो वो विकेट कीपर दो बैट्समैन लिए हैं। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। भाई स्पिनर का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस ग्राउंड पर। यहाँ पर पार्ट टाइम जो स्पिनर है ये ऑलराउंडर है, दो नंबर में बैटिंग करने उतरेगा और बॉलिंग करेगा, 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर सकता है, जो कि ये विकेट आपको निकाल कर अच्छे से दे सकता है, अच्छे विकेट निकाल सकता है। इसलिए मैं अभिषेक शर्मा को लिए हूँ, अपने टीम में शामिल किया हूँ। आप चाहे तो अभिषेक शर्मा को कोई भी हाल में शामिल करना होगा, आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। अब एस शेखर है, एस शेखर का सिलेक्शन परसेंट 92 है, लेकिन इनका रिसेंट के फॉर्म देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इन दोनों ऑलराउंडर को आप अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। हालांकि ये पेसर है,
ये नहीं है कि सिर्फ स्पिनर ही विकेट निकाल सकता है, इस ग्राउंड पर पेसर को भी विकेट मिलता है। जब से मैं कोलंबो को मैच देखे हैं तो इस ग्राउंड पर पेसर को भी अच्छे खासा हेल्प मिल जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं इस ग्राउंड पर काफ़ी हाई स्कोर बन सकता है और कभी लो स्कोर बन जाता है, कभी वॉल टू वॉल विकेट गिर जाता है, कभी दो ही तीन विकेट गिरने पर मैच समाप्त हो जाता है। इस कंडीशन में जो धैर्यपूर्वक और स्ट्रोंग बल्लेबाज है उसे अपनी टीम में तो पिक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाता है मेहदी हसन। भाई मेहदी हसन इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये अच्छे खासा फॉर्म कर सकता है। मेहदी हसन को विकेट मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जीरो विकेट मिलेगा, दो विकेट कम से कम आपको निकाल कर जाएगा, बैलेंस पिच है, इसलिए मेहदी हसन को मैं अपने टीम में शामिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए एन नासुन जो स्पिनर है, अच्छे खासा सलेक्शन परसेंट कम है, अगर खेलेगा तो इसे अपने टीम में शामिल कर सकते हो। अब आ जाते हैं बॉलर सेक्शन में। भाई बॉलर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट बॉलर जो है आर रेगन है, लेकिन पास्टर है ग्राउंड पर रिसेंट के फॉर्म खेल के आए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता है। एम मैचन को लिए हैं, देखिए मैंने तीन बॉलर को लिए हैं, सात और चार का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, सात चार का कॉम्बिनेशन बनाया हूँ। अगर आप चाहे तो पाँच छः का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने सात चार का कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, आप चाहे तो छः पाँच का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। अब मैंने चार बॉलर लिया हूँ, चार ऑलराउंडर लिया हूँ, दो बैट्समैन लिया हूँ, एक विकेट कीपर लिया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। भाई जितने भी हैं बंदे वे कैप्टनसी और वाइस कैप्टन हैं, एस सुंदरम को देगा जो सलेक्शन परसेंट 33 है, इसे लोग कैप्टनसी देगा। हालांकि ये तो धैर्यपूर्वक बैट्समैन है, T20 ODI के लिए अच्छे खासा है, इंटरनेशनल भी खेल के आया है, इंटरनेशनल में भी धमाल मचाए हैं, और अभिषेक शर्मा को लोग कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देगा। इसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसे कैप्टनसी देगा, या कैप्टनसी इसे देगा वाइस कैप्टनसी इसे, मैं इसे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ना दूंगा। और क्यों ना दूंगा मैं आपको बताऊंगा रीज़न। अब देखिए मैं हरीश राणा को या कैप्टनसी मैं एस को दूंगा, कैप्टनसी मैं एस गन को क्यों दिया, क्योंकि सेलेक्शन परसेंट हाई है और अच्छे खासा पिक है, और बॉलर सेक्शन में अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन मैं दूंगा, कैप्टनसी आर रेगन को दिया हूँ। अगर आप इसे कैप्टनसी देना चाहते हैं तो इसे कैप्टनसी दीजिए, और वाइस कैप्टन देना चाहते हैं तो आर रेगना को दीजिए। मैंने एक कैप्टनसी सेफ दिया हूँ, वाइस कैप्टनसी रिक्स लिया हूँ। आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए चार प्लेयर है, एच महेंद्रा तो ये है, और बॉलर सेक्शन में हरीश राणा एम मैथन किसी को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। चार बॉलर है, चार बॉलर में से किसी को कर सकते हो, चार ऑलराउंडर है, चार ऑलराउंडर में से दो ऑलराउंडर अच्छे खासा है, लेकिन आप किसी को भी चारों में चारों कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी कर सकते हो। अगर आप बैट्समैन में देना चाहते हो तो बैट्समैन में एस सुमंदर को अच्छे खासा है, जब पिच पर टिक जाते हैं तो आउट होने का संभावना नहीं रहता है, जल्दी आउट नहीं होता है। अभिषेक शर्मा भी ऐसे है, इसलिए मैं कैप्टन से उसे दिया हूँ, वाइस कैप्टन से इसे दिया हूँ, क्योंकि मैं कैप्टन से इसे इसलिए शामिल दिया गया हूँ, ये कैप्टनसी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। हो सकता है बैटिंग से फ्लॉप्स हुआ तो बॉलिंग से देगा, बॉलिंग से फ्लॉप्स हुआ तो बैटिंग से देगा, ये इंटरनेशनल अनुभवी है, इसलिए मैं फेम नहीं थोड़ा रिक्स ले लिया हूँ। हालांकि मैं तो इंडिया एक के फेवर में टीम बनाया हूँ, लेकिन मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देने के बाद मैं सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरे टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।